आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। गुणवत्ताहीन तथा कीड़ों युक्त खाना परोसने को लेकर आदिवासी छात्रावास की 50 बच्चियों ने जमकर मचाया हंगामा। अव्यवस्थाओं को जमकर की नारेबाजी। अपनी समस्याओं को लेकर बीओ कार्यालय के गेट पर शाम को करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठी रही कक्षा 6 से 8 की बच्चियां। तहसीलदार बीओ तथा बीआरसी ने काफी मशक्कत के बाद बच्चियों को मनाकर बाहर से खाना मंगाकर खिलवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदिवासी कन्या छात्रावास का मामला। छात्रावास भीकंगा सा है। हम पूरी लड़कियां हॉस्टल में रहती है। हमारे यहाँ खाना अच्छा नहीं बन रहा है। जीजिया अच्छे से खाना नहीं बनाती। ये सहायक वार्डन टीचर अच्छे से सब खाना देते हैं, फिर भी जीजिया अच्छे से नहीं खाना बनाती। उसको साफ सुथरा नहीं बनाती है। और ये खाना देखो कैसे बनाया, इसमें बाल है, रोटी भी कच्ची है और रोटी भी जली हुई है, इडली भी निकली है इसमें। और आप ही देख सकते हैं ये खाना कैसा बना है, पूरा पानी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पानी कैसा है। हमको अच्छा खाना चाहिए और हम ऐसे ऐसा खाना नहीं खा सकते। हमको अच्छा खाना चाहिए। जब फास्ट टीचर थे, जब उन्होंने हमको अच्छा खाना खिलाया, और जब हम थोड़ा सा भी काम करते थे, और जब हमारे फास्ट टीचर चले गए तो उन्होंने हमसे पूरा काम कराया। जब हम खाना खाने बैठते थे, हमको खाना भी पूरा परसाते थे और थालियां भी बनवाते थे, पूरा काम करवाते थे, रोटी भी बनवाते थे। बोलते थे कि हमारे पास बैठो और रोटी बनाओ, और बोलते थे कि आज के खाने में क्या क्या है समस्या आपकी। रोटी जली हुई है, रोटी है इधर से भी जली हुई है, सब्जी में बाल निकला और चावल में इल्ली निकली है। इल्ली निकली तो बताने और रोज नाश्ते में इल्ली निकलती है, धनोरी निकलती है, अच्छे से साफ नहीं करती है, जैसे वैसे बनाती है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम कुमारी संजय जमरे केसर सिंह। मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। मैं अमनखेड़ी में रहती हूँ। भीकनगांव के प्रशासनिक अमले में उस समय हड़कंप मच गया जब शासकीय सुभाष चंद्र बोस आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं को शाम के भोजन में परोसे गए खाने में इल्लियां निकली और कक्षा 6वीं से 8वीं में पढ़ने वाली 50 से अधिक आदिवासी छात्राएं खाने की थाली लेकर शाम करीब 6 बजे एसडीएम तथा बीओ कार्यालय तक पहुंच गईं, लेकिन कार्यालयों पर ताला लटका देख बीओ कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गईं तथा जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को सूचना दी, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद तहसीलदार बीओ कार्यालय पहुंचे तथा काफी मशक्कत के बाद बच्चियों को समझाकर बच्चियों को लेकर छात्रावास पहुंचे, जहां परोसे गए खाने का अवलोकन करने के बाद बच्चियों को बाहर से खाना मंगवाकर खिलवाने का निर्देश दिया। छात्रावास की बच्चियों का आरोप है कि खाना बनाने वाली महिला गुणवत्ताहीन व केड़े युक्त खाना बनाकर परोसती है तथा हमसे ही जूठे बर्तन साफ करवाती है। वार्डन के साथ भी अभद्र व्यवहार करती है। उन्हें हटाया जाए, लेकिन अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के कारण रसोई बनाने वाली महिलाओं को न हटाते हुए वार्डन को ही हटा दिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। सर, ये छात्रावास के बच्चों ने आज कुछ समस्याएं आपने बताई है उसके संबंध में? आज बालिका छात्रावास भीकर गांव के बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि उनके खाने में कुछ कीड़े निकले हैं, तो देखा गया और उसमें कि वो गोभी की सब्जी बनी थी, शायद उसमें कुछ कीड़े आए थे, तो उसको खाने को हटवा दिया है और इनको बाहर से खाना मंगाकर खिलाया जा रहा है। और इसके अलावा इनकी ये भी मांग है कि जो हमारी पुरानी वार्डन थी उनको ही रखा जाए यहाँ पे। इस संबंध में हम ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पे वार्डन की नियुक्तियाँ होंगी, फिर इनकी जो भी बच्चों की समस्या है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं बालिका छात्रावास भीकन गांव में साय गार्डन पद पे कार्य करती हूँ। और ये लड़कियों को खाना ढंग से उपलब्ध बाई वन नहीं ढंग से बनाती है। मैं रोज लड़कियों को समझाती हूँ और बाई वन को बोलती हूँ, पर वो बाई वन सुनती नहीं और राजनीतिक प्रेशर डाल के हमको डराती है। और हम लड़कियों को मैंने आज भी बोला, पर लड़के आज मानी नहीं और बोले कि हम तो एसडीएम ऑफिस चलेंगे ना, भाई उनको बोलेंगे। बच्चों के खाने में इल्ली और बाल आने की शिकायत बच्चे बता रहे हैं, जली हुई रोटियां देने का बता रहे हैं। इल्लिया, बाल और कच्ची रोटियां और जली हुई रोटियां खिलाते हैं। और रोज मैं समझाती हूँ तो भी भाई उन मेरे से झगड़ा रोज करती है। इसकी शिकायत आपने कोई प्रिंसिपल को या बीओ साहब को की है? नहीं, हम पहली बार ही आए हैं, क्योंकि हमने लड़कियों को बहुत बार समझा, पर लड़कियाँ बोले कि मैडम आप तो हाथ धो गई, बोले कि आप तो एसडीएम ऑफिस चलेंगे ना, भाई उनको
शिकायत करने चलते थे, तो इसलिए हम लड़कियों मानी नहीं, तो इसलिए हम लड़कियों को लेके आए। क्या है आपका पूरा नाम? क्या है? संतोषी मंडलई साय पाड़। कैसे बात करते हो आप? तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब कच्चे में खराब निकले तो आप वापस करो उसको, अच्छा सामान लेके आओ। कच्चा वाला बनवा दोगे आप? अच्छा तो फिर कीड़े कैसे निकले? आप बोल रही हो, आप ही बोल रहे कीड़े निकले, तो फिर क्यों खाना पड़ता जब कीड़े थे? तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? बंद करवा देती खाना, हटवा देती, नहीं बनवाती? क्यों बच्चों को न क्यों इधर उधर जाओगे आप लोग? आपकी जिम्मेदारी क्या है? हाँ तो खाना हटवा देना था, खराब खाना था तो नया खाना बनवाना चाहिए। बनवाने बोला भाई, बोले खाना टाइम हो, हम जा रहे हैं।